वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। और आज हमारा टॉपिक यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड आप जानते हैं क्लियरली कि यूनिटरी मेथड मींस यूनिट, किसी एक यूनिट की जब हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखिए पहले एक बार जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़। द मेथड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड देन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। फॉर्मूले से आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं कि एक आर्टिकल की यदि आपको कीमत निकालनी हो तो आपके पास कुछ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कीमत दी हुई होनी चाहिए और यह मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। अब यदि आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कीमत फाइंड करनी हो तो वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना हो तो फॉर्मुला बन गया वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इंटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल। बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। अब देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं आपको। इफ सिक्स बॉल्स कॉस्ट ₹96, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच बॉल्स। यदि सिक्स बॉल्स की कीमत 96 बच्चों, तो बताइए 15 बॉल की कीमत कितनी होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सिंस कॉस्ट ऑफ सिक्स बॉल्स इक्वल टू ₹96, तो एक बॉल की कीमत कितनी होगी, 96 अपॉन 6। ऐसे ही करते हैं तो हम क्या करेंगे, 96 अपॉन 6 निकाल लिए, कितना है 16। तो एक हमेशा, इसी को बोलते हैं वन आर्टिकल की कीमत निकालने को क्या, यूनिटरी मेथड। अब हमको क्वेश्चन में क्या 15 बॉल की निकालनी है, तो ये एक बॉल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 16 कर दिया, 15 बॉल्स इक्वल टू 15 इंटू 16 कितना हो गया 240। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया हुआ, द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ अ क्लोथ इज ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लोथ। ओके, ये आपके लॉम्बर किसी पर भेज दे, कर लीजिएगा। देन सेकंड है, सौम्य अर्न्स ₹3000 फॉर वर्किंग इन 8 डेज, हाउ मच विल सी अर्न इफ सी वर्क्स फॉर 15 डेज। क्या बोला हुआ है कि सौम्य की जो अर्निंग है 8 दिन में कितनी है, 3000। तो बताइए 15 दिन के हिसाब से अर्निंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक दिन की अर्निंग निकालेंगे, फिर 15 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखा सिंस सौम्यस अर्निंग फॉर 8 डेज इक्वल्स टू ₹3000, दिस इंप्लाइज या देयरफॉर एक दिन की कितनी होगी, दिस अपॉन दिस, तो 3000 अपॉन 8 किया। अब आप चाहो इसको सॉल्व कर लो या एज इट इज लिखे रहने दीजिए। तो 15 दिन की कितनी होगी, हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो आता है, तो 3000 अपॉन 8 इंटू 15। अब इसको सॉल्व किया आपने, कट कट करके जो भी सिंप्लीफिकेशन करके कितना आया, 5625। और वेरिफिकेशन भी कर सकते कि 8 दिन में इतनी है तो 15 दिन में ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ही आया ना, करेक्ट है। यदि कम आ जाता तो मतलब आपने रॉन्ग किया। देन नेक्स्ट देखिए, 25 वर्कर्स अर्न ₹300 पर डे, व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ 20 वर्कर्स एट द सेम रेट। बोला हुआ कि 25 वर्कर्स की जो अर्निंग है पर डे के हिसाब से कितनी है, 300 है, 300 पर डे। ओके, तो 20 वर्कर की पर डे के हिसाब से कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले 25 वर्कर्स की कितनी दी है, 300 बच्चों, तो एक वर्कर की कितनी हो जाएगी, 300 अपॉन 25, ये हमने निकाल लिया। अब इस तरीके 20 वर्कर्स की निकालनी है तो क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या है, 240। और आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि देखिए 25 वर्कर्स की 300 है, तो 20 वर्कर्स की तो कम ही आनी चाहिए पार्टी के हिसाब से, तो कम आई है, यानी आंसर आपका सही है। तो आपको यूनिटरी मेथड भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।